भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार एवं बेसहारा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर भारत को कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बनाकर नया हिंदुस्तान बनाने में जुटे हैं। वहीं उनके अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के विपरीत ही बह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें इन योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है और अपात्र को पात्र करने में जुटे अधिकारी इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। मामला पन्ना जिले की देवनगर तहसील अंतर्गत ककरहटी नगर पंचायत में देखा गया, जहां 797 लोगों की लिस्ट में से 19 नामों को हटा दिया गया जो वास्तव में पात्रता की श्रेणी में है। वहीं दूसरी ओर असुखदार जिनके पक्के मकान और हवेली जैसे मकान बने हैं उन अमीर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया। ककरहटी नगर पंचायत के 797 लोगों की आवास लिस्ट की जब सर्वे की गयी तब उनमें से ऐसे 19 लोगों का नाम काट दिया जो बेबस और लाचार है। दूसरी ओर असुखदारों को पात्र हितग्राहियों के सर्वे में रख दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण ककरहटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 का है, जहां मोती डीमर जो दर दर की ठोकरें खा रहा है और मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। ना तो उसके पास रहने को घर है और न ही जमीन, बस एक कच्चा मकान है जो किसी भी वक्त ढह सकता है। हम कलेक्टर साहब की भाई आवेदन ने लिख के दिया है, वो हमारे नाम रहू में नगर पालिका ने है और एक सूची में ना हो एक दूसरी में हमारा नाम लिया कार्ड हुआ। कलेक्टर ने लिख के दे दो कार्ड जांच करे SDM साहब जी। अब आप हम नहीं जाने गरीब आदमी जी ने कार्ड हो ना। जब मुख्य नगर पंचायत अधिकारी राम शिरोमणि त्रिपाठी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया और कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने जांच की बात कही है। मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है, मैं CMO से मेरी चर्चा हुई है, तो कागज प्रस्तुत करेंगे और जो भी जांच होगी उसके पश्चात ही मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, आपने ये बात बताया तो हम हमारे जो टीम है उसके माध्यम से हम जांच करा लेते हैं और जो भी रिजल्ट होगा फिर आपको बताते हैं। अब देखना होगा कि इस बेढंग की सर्वे से गरीब का नाम जो काट दिया गया है वो कब तक जोड़ा जाएगा या वो आपात्र ही रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज़, पन्ना।